इसका मकसद तो मात्र अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़ा होकर लोगों को जागृत करना है, एक आह्वान करना है लोगों से कि अब हमें अत्याचार नहीं सहना चाहिए, क्योंकि जो देश की मौजूदा गवर्नमेंट है ये मनुष्यमूर्ति को इस देश में स्थापित करना चाहती है, ये इंसान को इंसान से बांट रही है, कलर के नाम पे बांट रही है, धर्म के नाम पे बांट रही है, जाति के नाम पे बांट रही है। इस देश में मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, भाषा प्रांत की बात करते हैं, क्षेत्र वर्ग की बात करते हैं, लेकिन जिस संविधान के बदौलत लोग संसद में पहुँचते हैं उस संविधान की बात नहीं करते, उसकी समीक्षा करने की बात करते हैं। अभी हेगड़े ने जो ये एक बहुत ही भद्दा जो उसने कहा संसद में कि हम भारतीय संविधान को बदल देंगे, जिस संविधान की बदौलत वो संसद में पहुंचे हैं उसी को बदलने की बात होती है, तो ये ना सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अपमानजनक शब्द हैं, बल्कि भारतीय संविधान सभा में जो 389 लोग थे ये उनका अपमान है, वो अपने पूर्वजों का भी को भी नकार रहे हैं। तबकि क्योंकि समीक्षा करने तो इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि इस देश में अमीर गरीब क्यों हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब बनाया जा रहा है, इस देश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है इसकी समीक्षा करो, इस देश में अमीर के स्कूल गरीब के स्कूल अलग अलग क्यों है इस बात की समीक्षा करो। अब महामंडलेश्वर नित्यानंद स्वामी बलात्कार करके वो महामंडलेश्वर बन जाता है, क्यों बन गया वो महामंडलेश्वर, इस बात की समीक्षा करो। और इस देश के जो नेता है और धर्म गुरु है वो संस्कृति के नाम पे आवाम को बहकाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र का नेता कहता है मैं मराठी मानुस है, मराठी पढ़ो, हिंदी अंग्रेजी में मत पढ़ो, बंगाल का कहता है बंगला पढ़ो, हिंदी अंग्रेजी में मत पढ़ो, क्योंकि वो जानते हैं अगर इस देश के लोग मातृभाषा राष्ट्रभाषा अंतरभाषा का ज्ञान हो जाएगा तो पूरे संसार में स्थापित हो जाएंगे, तो और उनकी कुर्सी खाली हो जाएगी। इसे संस्कृति के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। तो और दूसरे जो यूनिट रूल के लिए काम कर रहे हैं, भीम आर्मी यूनिट रूल के लिए काम कर रही थी, उसका मिशन ये भारत एकता मिशन, वो शिक्षा में समानता को लेकर लोगों को जागरूक कर रही थी, तो उसी भीम आर्मी के लीडर को एक आतंकवादी बना के उसे जेल में डाल दिया। तो ऐसे जिग्नेश मेमानी को परमिशन देने की परमिशन नहीं दे रहे। तो समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय की बात करने वाले लोगों को अगर इस देश में विचार की अभिव्यक्ति नहीं होगी तो ये दमन है, और भारतीय संविधान के अनुरूप देश नहीं चल रहा है और ये भड़वे लोगों के हाथ में देश है। तो जिन्होंने जनता को मतलब मूर्ख बनाया कि हम किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, और उसका किसान का धान का दाम तो कर दिया आधा, 2000 रुपये कुंटल, और बिजली के डाई के खाद के दाम बढ़ा दिए, और जहाज के किराए आधे कर दिए, और ट्रेन के 14% किराए बढ़ा दिए, और जो ट्रेन मेट्रो हवाई जहाज के एयरपोर्ट को जाती है उसके दाम कम कर दिए, और जो ट्रेनें रिठाला को नोएडा को गाजियाबाद को जाती है उनके दाम बढ़ा दिए। तो ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनका दमन किया जा रहा है इस देश में। तो अब अगर दमन किया गया तो युवा खूनी क्रांति की ओर बढ़ जाएंगे, और हमारा मकसद है कि खूनी क्रांति नहीं होनी चाहिए, एक वैचारिक क्रांति हो इस देश में, और वैचारिक क्रांति से ही समाधान हो सकता है।